नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। एनडीए की सहयोगी पार्टी सहुलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर 2019 लोकसभा चुनाव में उतरेगी। राजभर ने एक ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार राज्य की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वो कई अन्य राज्यों में भी अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। एक खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर मेरी पार्टी की ओर से उम्मीदवार खड़े होंगे और चुनाव लड़ेंगे। 25 जनवरी को मैं इस बात का ऐलान करूंगा कि कौन किस सीट से मैदान में उतरेगा। आपको ये भी बताते हैं, उन्होंने कहा कि मैं SP और BSP के गठबंधन के साथ कतई नहीं जाऊंगा। हमें वहां से कोई न्योता नहीं मिला है। SP BSP के साथ संपर्क को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तो अमर सिंह, लालू प्रसाद यादव, मायावती सभी से मिलता रहता हूँ। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। BJP के साथ दोस्ती पर राजभर ने कहा कि BJP से अधिकार के लिए दोस्ती की है, अधिकार के लिए लड़ूंगा। राजभर ने बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र में भी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बातचीत के दौरान राजभर ने कहा कि हम आवास, राशन कार्ड और पेंशन व शौचालय के लिए लड़ते हैं, मगर BJP कुंभ, राम मंदिर और हिंदू मुसलमान के लिए परेशान करती है, इसलिए हमारी और BJP की थोड़ी दूरी बनी रहती है। गठबंधन के सामने BJP का जीत पाना इस बार मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर BJP पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा पूरा कर देती है तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। आपको बता दें कि राज्य में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच 80 सीटों के लिए गठबंधन हो चुका है। दोनों पार्टियां 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पार्टी के बयान के मुताबिक गठबंधन कांग्रेस के लिए 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगा। बाकी की बची 2 सीटें अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। अब इस तरह से राजभर के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रखें। जो दर्शक अच्छी न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।